माँ, इस शब्द में कितनी शक्ति है इसे बताने की छोटी सी कोशिश की है। आइए अब जरा कुछ पल के लिए उन बचपन की यादों में लौट चलते हैं, जब हम माँ की गोद में थे, माँ का दूध पीते थे। तब हमने माँ के एक स्तन से दूध पीते हुए उस माँ को दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। दोस्तों, लात खाकर भी भोजन देने की शक्ति अगर ऊपर वाले ने दुनिया में किसी को दी है तो वो सिर्फ माँ को दी है। माँ के अलावा ये ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं। माँ क्या होती है? माँ वैसे तो दुनिया में किसी भी मनुष्य के पास इस शब्द की परिभाषा देने का सामर्थ्य नहीं, लेकिन फिर भी एक मनुष्य ने माँ के पैरों के धूल के छोटे से कण से भी छोटी कोशिश की है इसे बताने की। माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ रेगिस्तान में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है और रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूख से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, कावा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है। माँ सिर्फ एक है। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। हैप्पी मदर्स डे।